गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 9th में आपका स्वागत है। देखिए अपन यहाँ पर जो प्रश्नावली है 1.3 का अध्ययन कर रहे हैं। 1.3 में आठवां क्वेश्चन अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याएं 7/5/7 परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग संख्याएं के बीच की तीन अलग अलग संख्याएं लिखिए। ठीक है, इसका हल कैसे करेंगे? देखो परिमेय संख्या 5/7 ये परिमेय संख्या है और 9/11 परिमेय संख्या है। इन दोनों में आपको पता है कि परिमेय संख्या है, तब आप देंगे 5/7। आप 5 में 7 का भाग दे दीजिए, 0 भाग जाएगा 5/6 0 आए 7 × 7 = 49 कितना बचा? 1, फिर 0 लगाएंगे 7 × 7 बच गए 3, फिर 0 7 × 21 = 28 आगे जाते रहेगा। तथा 9/11 9 में 11 का भाग दीजिए तो 0 बन जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 90 हो जाएंगे 11/8 = 88 2 बच गए, 0 लगाएंगे 11 × 11। अब आपको 0.71 और 0.81 के मध्य में तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है, अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत ही तो अपरिमेय संख्या होती है और अनंत ही परिमेय संख्या होती है। अनंत तो अपरिमेय और अनंत ही परिमेय संख्या होती है। मात्र अपन को तो तीन ही संख्या लिखनी है अपरिमेय संख्याएं, तो लिख देंगे 5/7 और 9/11 के बीच तीन अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं तो देखिए क्या क्या आएंगे। आपको पता है 0.02 ले लेते हैं। ठीक है, अब इससे तो बड़ी होगी ना, 0.071 है और 0.81 है, इसके बीच में लेनी है, इसके मध्य में संख्या लेनी है अपन को। तो ऐसी स्थिति में 01
जीरो टू, दो बार जीरो वन, दो बार तीन बार जीरो वन, ऐसे चलेगा। 0.3, टू वन, फिर दो बार टू, फिर वन, फिर तीन बार टू, फिर वन, ऐसे। कोई भी संख्या की इस तरीके से लिखी जा सकती हैं। आपको अपरिमेय संख्या है, अनावसनीय अनावृत्ति वाली संख्या है। आप अपने मन से कोई भी संख्या बना करके लिख सकते हैं, जैसे मान लो 8, 5, 3, 5, 3, 3, 5, 3, 3, 3, 5, 3, 3, 3, ऐसे। तो आप लिख रहे हैं 80, 0.80 है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है तो इससे छोटी तो है। आप अपने मन से ये मत सोचिए, उत्तर में ये लिख रखी है। आप आपके मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं। इस तरीके से आपको प्रश्न करना है। पहले भाग दिए ये संख्या पता चल गया, किसमें भाग दिया तो ये आ गई। इन दोनों के बीच में तीन अनावश्यक अनावृत्ति वाली संख्या अपन लिख देंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय संख्या है? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्या परिमेय संख्याएं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। कौन कौन संख्या परिमेय संख्या है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं? तो देखिए पहला है, इसमें अंडर रूट 23। दूसरी संख्या है जो है रूट 225। तीसरी जो संख्या है वो है आपके 0.3796। चौथी जो संख्या है ठीक है। यहाँ पर अगले जो संख्या है 1.10, फिर 1110, फिर 1111, फिर 1400।
ये जो संख्याएं हैं वो संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। रूट 23, रूट 225, 0.3796। फिर ये जो संख्या है 478, फिर 478, आगे डॉट डॉट का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। इन संख्याओं में से आपको ये बतानी है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो कैसे हल करेंगे? फर्स्ट रूट 23, ये देखें यह है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कारण लिखना चाहते किंतु क्योंकि रूट 23 एक या 23 अंडर रूट 23 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अगला सेकंड अंडर रूट 225, इसकी बात करें तो अंडर रूट 225 का मान होता है 15। तो ये देखिए है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि दो रूट 225 का वर्गमूल प्लस माइनस 15 होता है, ठीक है। अगर पूरा पूरा वर्गमूल प्राप्त नहीं होता तो वो अपरिमेय संख्या, और जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त हो जाता है वो परिमेय संख्या। अंडर रूट निकालते हैं, प्लस माइनस के 15 ले सकते हैं और 15 से भी यहाँ काम चल जाएगा केवल, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 225 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसे लिख सकते हो, पूर्ण वर्ग संख्या है। प्लस माइनस लिखना चाहते हो बिंदु, जब भी ये दो मान है प्लस 15 या माइनस 15 तो परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई है। केवल आपको तो वैसे भी आंसर में लगेगा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। मैंने यहाँ कारण सही लिख दिया कि इसका वर्गमूल का मान प्लस माइनस, वैसे वर्गमूल करते हैं प्लस माइनस चिन्ह लगाते हैं, अकेला 15 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर केवल परिमेय अपरिमेय बना, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या है इसका मान वर्गमूल इतना आ रहा है प्लस माइनस का आ रहा है, और लिख सकते हैं कि 225 पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अगला तीसरे नंबर की बात करी जाए 0.3796, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। और चौथी जो कंडीशन में है 7.478478 यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट है पांचवा 1.1010001001, आपको पता है यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार
अनावृत्ति, अनावृत्ति वाला है, सीधी भाषा में तो अनावश्य अनावृत्ति वाला है। अनावृत्ति का मतलब आवर्ती फिक्स अंतराल के बाद में नहीं हो रही है, इसलिए यह कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आपको पता है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं, तो यहाँ पर अपना 1.3 प्रश्नावली होती है, परिमेय अपरिमेय संख्या बतानी है, इसका वर्गमूल का मान पूरा नहीं आता है, पूर्ण संख्या में नहीं आता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक के बाद वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूरी पूरी संख्या का मान प्राप्त नहीं होता है। यही बात है कि इस पर रूट 225 से परिमेय संख्या जो इसका वर्गमूल पूरा होता है, ये शांत दशमलव है, यहाँ पर अशांत है लेकिन आवृत्ति वाला है, इसलिए परिमेय संख्या है, यहाँ अपरिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पर अनावसनीय अनावृत्ति हो रही है। थैंक यू। नेक्स्ट में अपन 1.4 का अध्ययन ऑफलाइन क्लास चलेगी तो उस समय समझाया जाएगा, यहाँ समझ में नहीं बैठेगी तो आपको हम 1.5 करवाते हैं। 1.4 वैसे कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन उसको समझा देंगे जब आप ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे, तो 1.5 प्रश्नावली कल अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।